हाय, हम आपको लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएंगी। तो आइए सुनते हैं इस बार हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जो आपके फेवरेट हैं। भारतीय हस्तियां जो गंभीर स्वास्थ्य विकार से पीड़ित भी हैं, जानिए उनके बारे में। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य और वर्कलोड दोनों को एक साथ प्रबंधित करना बहुत मुश्किल होता है। सेलिब्रिटीज इस संबंध में स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जो लोग पर्दे पर हीरो की तरह काम करते हैं वो असली नहीं होते, लेकिन जो लोग इससे लड़ते हैं वो होते हैं। जब हम मशहूर सेलिब्रिटीज के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अत्यधिक विलासित से भरे जीवन का कल्पना करते हैं। हवेली के बीच एक घर, कार और ब्रांड्स को कहते हैं। ये सोचना मुश्किल है कि मशहूर सेलिब्रिटीज की समस्याओं का भी उचित हिस्सा है। हालांकि कुछ समस्याएं सार्वभौमिक हैं और स्वास्थ्य समस्याएं उनमें से एक है। सबसे पहले बात करते हैं सोनाली बेंद्रे की। सोनाली बेंद्रे को मेटास्टैटिक कैंसर का निदान किया गया है और इस ब्लॉग के प्रकाशन के रूप में न्यूयॉर्क में उपचार चल भी रहा है। मेटास्टैटिक कैंसर को उच्च श्रेणी के कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो कैंसर की आवाज को पहले से भी अधिक भयानक बना देता है। इस पुरानी बीमारी में कैंसर कोशिकाएं शरीर की बाकी हिस्सों में संचार या लसिका प्राणी के माध्यम से फैलती हैं। सोनाली बेंद्रे ने खुलासा किया कि उनके शरीर में लगातार दर्द हो रहा था, जिसके कारण उन्हें पहली बार जांच करानी पड़ी और इस तरह से उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला था। दूसरे हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान को 2007 में मामूली दिल का दौरा पड़ा था। दिल की बीमारी या सूचीबद्ध कई अन्य बीमारियों की तरह एक अत्यंत गंभीर और पुरानी बीमारी है। हार्ट प्रॉब्लम शब्द का उपयोग आमतौर पर कार्डियोवैस्कुलर से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे कि कोरोनरी धमनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, जबकि अभिनेता एक और हमले को रोकने के लिए अपनी जीवन शैली और आहार की निगरानी कर रहा है। उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ भी निदान किया गया है, जो एक वंशानुगत स्थिति है। बात करते हैं धर्मेंद्र पाजी की। ये दिग्गज अभिनेता डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिसमें अपने जीवन के कुछ चरणों के दौरान शराब में योगदान दिया। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन पुरानी बीमारियों की सूची में क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि डिप्रेशन हालांकि एक मानसिक रोग है, एक पुरानी चिंता, और इसे हल्के से नहीं लिया जा सकता। ये बीमारी आपको कई तरह की शारीरिक बीमारियों जैसे कि दिल के रोग, डायबिटीज, मोटापा और ऐसी कई बीमारियों के खतरे में डालती है। ये मुख्य रूप से क्योंकि अवसाद से पीड़ित रोगियों में स्वस्थ खाने की आदतों का नियमित रूप से व्यायाम करने की संभावना कम होती है। खराब जीवन शैली की आदतें आपके स्वास्थ्य से सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकती हैं। डिप्रेशन को कम घनत्व से भी जोड़ा जाता है। यही वजह है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के विकास का जोखिम उठाता है, खासकर महिलाओं में। बात करते हैं किंग खान यानी कि शाहरुख खान की। किंग खान बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों में से एक थे जो डिप्रेशन का शिकार हो गए। शूटिंग के दौरान अपनी मांसपेशियों को फाड़ने के बाद बॉलीवुड के बादशाह ने दर्द का सामना किया और अंततः डिप्रेशन का शिकार हो गए, लेकिन ये उसे कभी ऐसा करने से रोक नहीं पाया जो उसे अच्छा लगता है, अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करना। इससे उसे निपटने का तरीका भी मिल जाता है। सोनम कपूर। हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर एक लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रही हैं। ये माना जाता है कि किशोरावस्था से ही वो इस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उसकी सख्त डाइटिंग योजना के कारण वो बीमारी को नियंत्रण करने में सक्षम भी हैं। सलमान खान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को ट्राइजामिनल न्यूरालजिया का पता चला था और अभी भी इसका इलाज चल रहा है। ये एक न्यूरोपैथिक विकार है जो चेहरे के कई हिस्से यानी कि जबड़े और गाल में तीव्र दर्द के एपिसोड की विशेषता है, लेकिन अमेरिका से किए गए उनके उपचार में उन्हें काफी हद तक ठीक करने की मदद मिली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें।